जिला अस्पताल रायबरेली में स्थित जन औषधि केंद्र में जेनेरिक दवाओं के अलावा मेडिकल स्टोर में बिकने वाली दवाई पाए जाने पर संबंधित विभाग के इंस्पेक्टर ने कार्यवाही किए जाने की बात कही है। इस संबंध में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार मौर्य का कहना है कि शिकायत की जाँच कराई जा रही है। विभागीय इंस्पेक्टर का ये कहना है कि जेनेरिक दवाओं के अतिरिक्त जो भी दवाई जन औषधि केंद्र में रही उन्हें हटवा दिया गया है तथा जन औषधि केंद्र के संचालक को चेतावनी दी जा चुकी है। इंस्पेक्टर का कहना है कि यदि जन औषधि केंद्र में अन्य दवाएं पाई गईं तो स्टोर संचालक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ये गवर्नमेंट का वो है, शासन की मंशा है कि चिकित्सालय में आए हुए मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हों। और शिकायतें मिली थी कि ये प्रधानमंत्री जन औषधि की दवाओं के अलावा भी दवाएं बेच रहा था। ये जो प्रधानमंत्री जिन पर प्रधानमंत्री जन औषधि की मुहर भी नहीं लगी हुई थी, तो ये संज्ञान में लेते हुए ये कार्यवाही की गई है, क्योंकि मनसा शासन की यही है कि सस्ती दवाएं उपलब्ध हों, लेकिन ये लोग मेडिकल हॉल की तरह अपना चलाने लगे इसको, इसीलिए ये कार्रवाई की बाहर की दवा लिखी जा रही है। इसके बारे में डॉक्टरों द्वारा इनको जांच में रुकी है पर्चियां? हाँ, नहीं, उसके खिलाफ हम बराबर लिखते रहते हैं। और जो अभी ये पर्ची है इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें डॉक्टर का किसी का दस्तखत नहीं है। तमाम लोग टहलते रहते हैं तो वो भी लिख देते हैं, दलाल लोग चुपके से आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो सब पर कार्यवाही की जा रही, निगरानी की जा रही है। ठीक, दवाई काफ़ी मिली वहाँ पे, पक्षी भी दवाई मिली है लोगों को, मतलब। अरे ये आप ड्रग इंस्पेक्टर से पूछिए, मैं वहाँ मौजूद थोड़े था, ये सब चीज़ें तो वही आप बताएंगे आपको। आपको बताना चाहेंगे कि CMS सर से हमें शिकायत मिली थी कि जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बाहर की दवाई भी बिक्री की जा रही है, जो नियमानुसार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाई बेची जा सकती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की योजना है जिसमें जो जेनेरिक दवाएं रोगियों को उपलब्ध की जाती है, जो कि बहुत ही सस्ते रेट पर उपलब्ध की जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है लोगों को जो है वो दवाएं उपलब्ध हो, इस वजह से हमने ये चेक किया है। चेक करने में हमें जो है बाहर की दवाएं बरामद हुई हैं, जिनको हमने तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं, वापस करने के निर्देश दिए हैं। अन्य कमियां भी पाई गई हैं जिसमें इनको नोटिस जारी की जा रही है। और ये भी प्रकाश में आ रहा है कि जो है पर्चे पर भी जो है, जैसा कि जन औषधि केंद्र के द्वारा बताया जा रहा है कि जो है हमें जो है कुछ पर्चे पर भी बाहर की दवाई भी दी जा रही हैं, बट जो है मैंने इनको निर्देशित किया है कि किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री के अलावा अन्य दवाएं आप नहीं बेच सकते। अगर आगे भी अगर इस तरीके से हमें जानकारी मिलेगी तो इनका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए संस्तुति कर दी जाएगी, जिसके लिए जिम्मेदार स्वयं प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर होंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।